हमारे पूर्व मेयर निर्मल जैन जी, आज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और पत्रकार मित्रों, आज सवेरे भी आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक प्रतिनिधि और संगठन मंत्री थे, उन्होंने सवेरे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। पत्रकार हमसे पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि एमसीडी के अंदर चुनाव हुए जीते। मेरा कहना है कोई ऐसा राज्य बता दीजिए जिसमें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने गई हो और उसने चुनावों से बहुत साल पहले, बहुत महीने पहले वोट ना लगा दिया कि 60% से ज्यादा की पसंद आम आदमी पार्टी। और कोई ऐसा राज्य दिखा दीजिए जहां उन्होंने ये नहीं कहा हो कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने से लेकर आज तक जितने भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े, ये उनका मुहावरा है कि हम जीतेंगे, किंतु जीतने की जगह चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या और दूसरे राज्य हो, हरियाणा से लेकर, सबके अंदर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। लोग इनका चेहरा पहचान रहे हैं और लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ भी इसलिए रहे हैं उनके लोग कि जिस उद्देश्य के लिए आई थी आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के साथ धरने पर बैठकर, कि वो लोकपाल लाएंगे, या उनका उद्देश्य था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी और उसके नेता है। इसीलिए लोगों का भंग हो रहा है। कितने ही आम आदमी पार्टी के लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, रुके हुए हैं। रुके इसलिए हुए हैं कि वो कहते हैं टिकटों के लिए हमसे पेशगियां ले ली गई, एक बार हम पेशगी अपनी वापस लेने की कोशिश कर ले, उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आएंगे। लोगों में इस बात का अफसोस है कि वो कब आम आदमी पार्टी में और क्यों कर गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये अलग तरह की राजनीति करेंगे। पर मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी की जितनी बुराइयां और भ्रष्टाचार हुआ है, उसी का मत है कि आज भी आम आदमी पार्टी के श्री पवन शर्मा जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं शादरा से, वार्ड 215 से, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, विचारों से, काम से, विकास से और मोदी जी के जो व्यक्तित्व है और मोदी जी जो पूरे देश में विकास कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर पवन शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए। दूसरे दीपक सिद्धू हैं जो महामंत्री संगठन है वार्ड नंबर 215 के शादरा से, और ये भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और इनके जो समर्थक हैं उनको बुलाने की हमने उचित नहीं समझी। मैं समझता हूं बड़ी संख्या के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग छोड़ेंगे और इतने लोग छोड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चौथी बार दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर सरकार बनाएगी। पिछली बार भी ये लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी लगी हुई है, बीजेपी किसी हालत में भी एमसीडी में सरकार नहीं बना पाएगी, और उससे पिछली बार भी कहते थे। पर जैसा आपने तीन बार देखा है, ऐसे चौथी बार भी, और बीजेपी अपने कामों के ऊपर ही सबसे बड़ी बात है जा रही है। जो लोग कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं, केजरीवाल का बस चले तो कूड़े के पहाड़ के ऊपर डंडा लेके खड़ा हो जाए कि मैं इसको कम नहीं होने दूंगा, कम नहीं होने दूंगा, जबकि कूड़े का पहाड़ हो, यमुना हो या प्रदूषण हो, हर चीज की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की है, मैं ये समझता हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। आदरणीय रामवीर सिंह भिदुड़ी जी, स्वागत
मटका पहना के आदरणीय रामवीर सिंह भिदुड़ी जी नेता प्रतिपक्ष हमारे परिवार में जो लोग आज सम्मिलित हो रहे हैं उनको कर रहे हैं। पहला नाम है जी पवन शर्मा जी जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है। दूसरा हमारे दीपक सिद्धू जी को आदरणीय रामवीर सिंह भिदुड़ी जी मटका पहना के परिवार में शामिल करें। हमारे वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी पटका पहना के हमारे अतिथि को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। श्री पवन शर्मा जी, श्री दीपक सुद्धी जी को भी पटका पहना के शामिल करें। आप